सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली एनएच 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। सरैया थाना क्षेत्र के सहेला पट्टी गांव में आपसे विवाद में हुई गोलीबारी, एक युवक को कमर में लगी गोली। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर एसडीओ पूर्वी ने गरीबनाथ मंदिर परिसर और कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। और भीषण गर्मी का असर सबसे अधिक छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है, अस्पताल में प्रत्येक दिन सैकड़ों बच्चे पहुंच रहे हैं। तो यह थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र के सहेला पट्टी गांव में आपसे विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक को गोली लगी है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट के दौरान एक ठेकेदार को गोली मार दी है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल जख्मी युवक का इलाज मां जानकी अस्पताल में चल रहा है, जो अभी खतरे से बाहर है। घटना सरैया थाना क्षेत्र के सहेला पट्टी की है। गोलीबारी में जख्मी युवक की पहचान रेवा के 24 वर्षीय चंदन सैनी के रूप में की गई है, जो ठेकेदारी का काम करता है। दोपहर के दौरान अपने बाइक से घर से निकला था। इस दौरान सहेला पट्टी में अपराधियों ने घेर लिया, पास में रखे पैसे लूटने का प्रयास किया, जिसका चंदन सहनी ने विरोध किया, जिसके बाद गोली मार दी गई और बाइक और पैसा लेकर फरार हो गया। वहीं घटना को लेकर परिजन ने बताया कि जख्मी हालत में कॉल आया कि किसी ने गोली मार दिया है, पैसे और बाइक लूट ली गई है, जिसके बाद पहुंची और मां जानकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज चल रहा है। वो ठेकेदारी का काम करते हैं, लेबर मजदूर को पैसा देकर लौट रहे थे, इसी दौरान लूटपाट की गई है, विरोध करने पर गोली मार दी गई है। मेरा भतीजा चंदन सोनी था, वो ठेकेदारी का काम करता है, लेबर मिस्त्री का पैसा लेकर जा रहा था देने के लिए, तो वो रास्ते में सहेला पट्टी गांव पड़ता है, उसी पुल के बगल में कम से कम दो तीन सौ किलोमीटर पश्चिम हट के पुल से टर्निंग है, थोड़ा फक्का पड़ता है, उसी जगह दो बदमाश घेरा उसको और गोली मारा और बाइक लेकर छीन कर बाइक लिया, पैसा छीना, चल दिया। और वहाँ से चंदन फोन किया अपने छोटू भाई के ऊपर कि बुआ रे गोली लगल है, तो उसका भाई जो हमको फोन किया कि चाचा ऐसा ऐसा बात है, चलिए। तो हम लोग गए वहाँ, तो देखे बीच रोड पर कहरा आ रहा था। वो कितना लगभग पैसा का अमाउंट किया? 40-50 हज़ार का लगभग था उसके पास पैसा। पैसा तो हमेशा रखता है, वैसे भी लोगों दुश्मनी था, एक दो बार दो धमकी दिए हुए था एक दो आदमी, ऐसा भी है कि हम तुम गोली मारेंगे, ऐसे करेंगे, उसे करेंगे। हाँ, लेकिन वो जो है कि चंदन पहचान रहा होगा जरूर, लड़का बताएगा। थाना को अब जैसे हम थाना को फोन किया कि एम्बुलेंस कराइए, तो उन लोगों में लेट हुआ जाने में, हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर के हॉस्पिटल का लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते मिले हैं नहीं पहुँचे वो, हम लोग चल दिए हुए थे, तो मतलब रास्ते मिले हैं, बोले कि चली जाए के लेकर सरैया, तो सरैया हम लोग दिखवा कर बोले कि जाइए आप सदर में। 2 बजे सरैया थाना अंतर्गत कैला पट्टी बांध पर अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम चंदन सहनी, जो रेवा माला टोली के रहने वाले हैं, उनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, उनको इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, वो अभी खतरे से बाहर हैं। प्रथम दृष्टया जांच करने पर पता चला कि ये आपसी विवाद, जिसमें लेन देन भी एक कारण है, के लिए गोली मारी गई है। अपराध कर्मी की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर एसडीओ पूर्वी ने गरीबनाथ मंदिर परिसर और कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। देश भर में इस बार 22 जुलाई से सावन में जलाभिषेक की शुरुआत होने वाली है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ में 21 जुलाई को शाम 4 बजे श्रावणी मेला का उद्घाटन शुरू होने वाला है। जलाभिषेक के दौरान भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिर के आसपास और शहर के अंदर कई जगहों को चिन्हित कर वहां मजबूत बैरिकेडिंग कराई जाएगी। पहलेजा घाट से बाबा मंदिर तक कांवरिया पथ में हर 3 किलोमीटर पर हेल्थ कैंप लगेंगे। रास्ते की जर्जर सड़कें व भगवानपुर फ्लाईओवर के नीचे की दूसरी लेन समेत रामदयालु नगर से बाबा मंदिर तक के चापाकल दुरुस्त करवाए जाएंगे।
वहीं कांवड़िया ठहराव स्थलों पर स्नानगार, शौचालय, पेयजल समेत सभी आवश्यक सुविधाएं समय पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आज एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने सड़क मार्ग और बाबा गरीबनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। हाँ, आज मेरे द्वारा साथ में अंचल अधिकारी मुसरी और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा श्रावणी मेला की तैयारियों को संबंधित निरीक्षण किया गया, जिसमें रामदयालु रेलवे गुमटी से लेकर के हम लोग पूरे रूट को देखे, मंदिर तक आए और जहाँ जहाँ भी उन लोग को विश्राम स्थल बनाया जाना है या फिर जैसे जैसे उन लोग को ताकि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो उसको देखते हुए निरीक्षण किया गया है। और जो भी समस्या पहले आई हो या फिर आ सकती है उसको तैयारी करते हुए हम लोगों ने सारा वो बनाया है। और उसका हाँ, डीएन स्कूल में उद्घाटन किया जाएगा, 22 जुलाई को होना है ना, तो 21 को जुलाई को 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम डीएन स्कूल में किया जाएगा। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह? हाँ हाँ, पथ में कोई परिवर्तन नहीं है? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन। अर्घा को लेकर के भी बात हुई है, उस पर जिला पदाधिकारी महोदय से बात की जाएगी। अगर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो और सुरक्षा की दृष्टि से अगर संभव हो तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है सुरक्षा को देखना ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, उसको देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर न्यायालय में जिले के चर्चित किडनी कांड का फैसला होने वाला था, जिसकी सुनवाई न्यायालय द्वारा अगली तारीख को तय की गई है। मुजफ्फरपुर किडनी कांड में पीड़िता को अब जल्द ही न्याय मिलने वाला है। बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में 3 सितंबर 2022 को पीड़िता के गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सकरा थाना के बाजी राउत गाँव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकाल ली गई थी। इस मामले में जेल में बंद नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पवन कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया है। विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने बताया कि 13 जून को विशेष कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी, जो कि टल गई। अब सुनवाई 18 जून को होगी। अगर न्यायालय 18 जून को बकरीद पर्व के कारण बंद रहता है तो सुनवाई 19 जून को होगी, उसके बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। इस मामले के मुख्य आरोपित डॉक्टर आर के सिंह अब तक फरार है। विशेष कोर्ट ने उसके मामले को अलग कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों किडनी निकालने के बाद 5 सितंबर को सुनीता की तबीयत खराब होने पर उसे SKMCH लाया गया था। 7 सितंबर 2022 को जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। आने वाला था सुनीता किडनी कांड में मुदाला पवन कुमार, डॉक्टर पवन कुमार को दोष सिद्ध किया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु आज न्यायालय विशेष न्यायालय में मुकदमा पड़ा था, आज तारीख था, लेकिन अपरिहार्य कारण बस सुनवाई के बिंदु पर न्यायालय ने सुनवाई आज नहीं किया। उसके लिए अभियुक्त एवं अभियोजक पक्ष की तरफ से आवेदन पड़ा है, इसका एक तिथि सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिया जाए। न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने दोनों तरफ के आवेदन को स्वीकार किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक 18/6/24 को तारीख निर्धारित किया गया है, उस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई होगा, उस पर न्यायालय उसका फैसला सुनवाई कर देगा, फैसला हो जाएगा। इसलिए आज तारीख हो गया है 18/6/24 को सुनवाई होगा। गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। पुजारियों से मिलने के लिए एसडीओ पूर्वी पहुंचे। बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुजारियों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा, साथ ही आमरण अनशन का दूसरा दिन रहा। धरना स्थल पर गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने पुजारियों के समर्थन में आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। गरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष और पुजारियों के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं धरना स्थल पर अब एसडीओ पूर्वी ने पहुंचकर आमरण अनशन कर रहे गौ रक्षा अभियान के अध्यक्ष से हालचाल जाना। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि पुजारियों की हड़ताल की बात संज्ञान में है,
जल्द ही बैठक कर समस्या का निदान किया जाएगा। ये तो हड़ताल पहले ही हम लोग बोल चुके हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। सावन में सैकड़ों भक्त गांव से भी आते हैं, तो वो लोग को पूजा करने में परेशानी होगी। परेशानी होगी तो इसका जवाब दे जिला प्रशासन का, हम लोगों ने पहले उनको सूचित कर रखा है, जिला प्रशासन समझे। और हम लोग के मंदिर के अंदर का जो व्यवस्था है वो हम लोग करके रखेंगे, लेकिन अर्घा बाहर नहीं लगने देंगे। हम लोग अर्घा का भी सेटिंग कुछ किलोमीटर के भक्त पैदल चल के आते हैं, बाबा का दर्शन नहीं हो पाता। तो यही इसी चीज के मांग के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। ये तो वहाँ खुलना चाहिए जिला प्रशासन का, यहाँ का SDO के जो उपाध्यक्ष भी है यहाँ और पदेन SDO भी है, यहाँ के जो अध्यक्ष है मिहिर कुमार सिंह प्रधान सचिव है पंचायती राज विभाग के, उनको सोचना चाहिए था। एक IAS ऑफिसर है तो धर्म के बात पे इनका ध्यान नहीं है, लेकिन पंडित को धमकाना है गाली देना है इस पे इनका ध्यान पूरा रहता है। हम कहेंगे कि प्रशासन की निष्क्रियता है, जो देवघर में अगर 1 घंटे का हड़ताल हुआ तो मुख्यमंत्री को आना पड़ जाएगा, और यहाँ आ जाए CM साहब पूछने के लिए, मेरा का सेंसर रिएक्शन करने के लिए, उसमें एक सब्जेक्ट भी घुसा दिए। हाँ आप लोगों का मांग जायज है, आप लोगों का मांग जायज है, हम उस पर ध्यान देंगे, पूरा करा देंगे, तो सर मौखिक नहीं। कब तक पूरा करवा, कब तक पूरा करवाए ये भी नहीं बोले हैं, हमने कहा कि आप लिखित दीजिए कि हम इतना दिन में पूरा करेंगे। पैसा कोई होता है, टाइम बाइंड नहीं होता है, क्योंकि सर कम से कम 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, अभी सावन आने में 1 महीना कुछ दिन बाकी है, 1 महीने का समय ले लीजिए, कर लीजिए। हम लोग लगातार हड़ताल पर है, परिवार के पालन पोषण में कितनी परेशानी हो रही है, कहें क्या? हनुमान जी वैसे कलिया फाड़ के दिखा देते हैं कि हमको हमको कितनी परेशानी है। दूसरे अंगूठी बंद करके अभी पैसा लेके घर पर लगा खर्ची चला रहे हैं। नहीं, उनसे बात हुई है आज और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, और जो भी उनके द्वारा बात कही गई है उसमें जो लिखा गया है तो उस पर हम जो समिति के स्तर से होना है वो बात है, हम समिति तक पहुंचाएंगे और अगली बैठक जो होगी उसमें उस बात को रखा जाएगा। जो मेरे स्तर से होना है उस पर हम करेंगे, और उनकी कुछ मांगे हैं जो किया जा सकता है, जैसे उनका था कि पैसा बर्बाद हो जाता है दान पेटी से, तो महीने में 2 बार दान पेटी खुलाया जाए, तो वो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई को लेकर के था तो ठीक है, सुबह शाम दोनों कचरा गाड़ी जाएगा और साफ़ सफाई वहाँ होगी, ज़रूरी भी है, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं तो उनको परेशानी भी हो सकती है, तो बेहतर है कि साफ सफाई बढ़िया से रखा जा सके, प्रयास किया जाएगा। हाँ हाँ, उस पर प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द समाप्त। चीनी नागरिक की हुई मौत पर मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को एक चीनी नागरिक ली ज़ियाकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई कागजात नहीं थे। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास किया। आनंद फानन में उसे SKMCH में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। अधिवक्ता श्री SK झा ने बताया कि चीनी नागरिक के मामले में पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन नहीं किया गया है, साथ ही साथ उसे सही तरीके से काउंसलिंग नहीं की गई और उसे चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध नहीं कराए गए। अगर उसकी सही तरीके से काउंसलिंग होती और चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध कराए जाते तो शायद आज वे जिंदा होते। अधिवक्ता ने कहा कि उसके परिजनों के पास उसका डेड बॉडी पहुंचे इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए, तथा उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इस पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग की है। चीन देश के नागरिक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था 5/6/2024 को मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा। उस पर आरोप यह था कि उसके पास में भारत में प्रवेश संबंधी कोई वैध कागजात नहीं थे, लेकिन और उसके साथ में जो पूछताछ की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें द्विभाषीय का इस्तेमाल वगैरह नहीं किया गया। ये सब नेग्लिजेंसी हमने बाद में देखा है, जब उसकी मौत हो गई है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जब जानकारी मिला है कि वह व्यक्ति सुसाइड वगैरह कर लिया, उसकी इलाज हुई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई,
हमने जब पूरे मामले का हमने जब ने अध्ययन किया तो हमको यह अध्ययन उपरांत हम इसमें पाए हैं कि इसकी गिरफ्तारी से लेकर के जेल भेजने तक की प्रक्रिया में इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है मानवाधिकार का, वह मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून का इसमें काफ़ी जो है सो उल्लंघन किया गया है पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा। पहला लू फॉल्ट तो यह है कि गूगल ट्रांसलेशन से उसको ट्रांसलेट करके उसको चाइनीज भाषा में उससे पूछताछ किया गया, तब उसकी गिरफ्तारी के कारण बताया गया, ऐसी बातें FIR में लिखा हुआ है। यह जबकि कानून कहता है कि उसको द्विभाषीय का इमीडिएट उसकी व्यवस्था कराइए और उससे पूछताछ करिए। जेल में जब इसको भेजा गया, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, इसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की ज़रूरत थी, इसको सही जानकारी की ज़रूरत थी, इसको नहीं दिया गया, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चला गया होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। डिप्रेशन में जा कर के उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर वह एक जासूस अगर था तो भारत सरकार को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई, और भारत सरकार को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई इसका सबसे बड़ा का कारण यहाँ का जो सरकारी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वह इसके लिए लाइबल है। क्योंकि इन लोगों को सेफ करके रखना था उस व्यक्ति को। अगर कोई, हम लोगों ने बहुत जगह सुना कि नहीं वो एक जासूस था, अगर जासूस भी था तो एक तो वह इंसान था, अगर वह चीन देश में अगर उसको खतरा भी था तो आखिर वह कौन था, उसको क्यों खतरा था, इस सारे रहस्य जो है, ये सारी बातें उसी की मौत के साथ में ख़त्म हो गया। और इसकी पूरी पूरी की पूरी जिम्मेवारी यहाँ की सरकारी व्यवस्था है, यहाँ के पुलिस प्रशासन है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने दो अलग अलग पिटीशन दिया है, और हमने इसमें जुडिशियरी इंक्वायरी की डिमांड किया है। और आज हम लोग समाचार पत्र भी हम लोगों ने पढ़ा है तो देखा है कि उसमें जुडिशियरी इंक्वायरी हो भी रही है, लेकिन हम लोग आयोग के स्तर से भी रिटायर जज के निगरानी में हमने इसकी जांच का मांग किया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। हरी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे, सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6202584955।
लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल, स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे बीमार भर्ती हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार समेत देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी के प्रकोप का बच्चों की जीवन शैली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को अस्पताल में अचानक से बीमार बच्चों को लेकर स्वजन पहुंचने लगे। शाम होते होते संख्या 250 के पार पहुंच गई। सभी बच्चे उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित पाए गए। अस्पताल में इन सभी को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यह डायरिया के लक्षण है, इसी के अनुसार इलाज किया जा रहा है। जिन बच्चों की स्थिति अधिक खराब है उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। इस कारण बेड फुल हो चुका है। देखिए गर्मी अपने चरम सीमा पर है और साथ में भी आर्द्रता भी देख रहे हैं कितना है, उमस इतनी है। तो गर्मी खाली नहीं है, आर्द्रता के कारण भी बच्चों के शरीर से पसीना बिना मतलब के निकल रहा है। हमको देख रहे हैं एसी चल रही है, उसके बाद भी सकती है। छोटे बच्चों में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और खाना भी दूध भी बहुत जल्द खराब भी हो जा रहा है गर्मी से। छोटे नवजात बच्चों को तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, और अगर बाहर का दूध पिलाते हैं तो आप उसको बनाएं और तुरंत पिला दें, बचे हुए दूध को फेंक दें। अक्सर क्या करती हैं माताएं कि वो बोतल में रखी रहती हैं दूध को और ले के आती हैं, आधा घंटा एक घंटा के बाद भी पिला रही हैं। इससे देखिए डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, अभी सबसे ज़्यादा केस आ रहा है फीवर, डायरिया, वोमिटिंग सबसे ज़्यादा केस है। बचाव के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी दें, दूध हो, खाना हो, जो भी हो, बिल्कुल ताज़ा तुरंत कर दें। ये नहीं कि आप एक घंटा दो घंटा के बाद दे रहे हैं तो वो खाना बेकार हो गया। और बाहर धूप में निकालना बिल्कुल बंद कर दें। अगर धूप में निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर के यहाँ जाना है, एकदम एसेंशियल है बच्चा, इस तो आप उसके सर पर कम से कम चादर, तौलिया, ये सब रख के चलें और साथ में पानी का बोतल ज़रूर ले कर चलें। उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज मिला लें तो और अच्छा है। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर देते रहें और फुल पूरी बाजू का कपड़ा पहना के खुला बदन उसको ना रखें। और छोटे जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जाने लगे हैं, अभी तो स्कूल बंद हो गया है, नहीं तो देखिए फुटपाथ पर बिकने वाली दुकानों में बच्चों की भीड़, स्कूल के पास खोमचों की दुकान, इन सब को बच्चे में को नहीं देना चाहिए। पेरेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, उनको पैसा ना दें कि वो सब चीज़ खरीदें और वो सब चीज़ खाना वर्जित कर दें। शुद्ध खाना, ताज़ा खाना दें, शुद्ध पानी, पानी उबाल कर घर में रख लें, सुराही में, घैला में, किसी में पानी रख लें, वही बच्चों को छान के देते रहें, सबसे अच्छा उपाय है। बिल्कुल बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। सुबह उठिए
हम समझते हैं कि सुबह में बच्चों को नाला देना चाहिए। अब बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक बच्ची आई थी, उसकी माँ उसको दिन में 3-4 बार नहलाती है। क्या है, गर्मी बहुत है, इसका भी साइड इफेक्ट है। नहलाना भी है आपको, एक बार नहलाइए, बहुत मैक्सिमम बहुत गर्मी है 2 बार शाम में, 1 बार नहला, 4 बार नहलाने का कोई मकसद नहीं है। और जैसे ही आप मैंने घर से निकलते हैं, छाता तौलिया पानी का बोतल ज़रूर रखिए। और हम तो कहते हैं कि अगर चश्मा हो, गोगल्स हो, तो भी बच्चे को पहना है, नहीं तो भी आई कंजक्टिवाइटिस का भी केसेस बहुत आ रहा है। अखिल भारतीय कालू हलवाई विचार मंच ने लक्ष्मेश्वर साहू की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अखिल भारतीय कालू हलवाई विचार मंच ने गुरुवार को स्वर्गीय लक्ष्मेश्वर साहू का शहादत दिवस मनाया। मौके पर उपस्थित लोगों ने लक्ष्मेश्वर साहू के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि लक्ष्मेश्वर साहू ब्रज बिहारी के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी काल में ही ब्रज बिहारी को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी, इसलिए हम लोगों की बिहार सरकार से मांग है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम ये ब्रज बिहारी प्रसाद के बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर राहू थे, जो कि उनके देहांत के बाद इनको भी मार दिया गया, उनके बॉडीगार्ड को। और आज 26वां उनका शहादत दिवस है जो हम लोग मना रहे हैं, और हम लोग मांग करते हैं उनके इस अध्यक्ष मझौली खेतल मुसारी मुजफ्फरपुर के हैं। आज हम लोग लक्ष्मेश्वर बाबू का जो है शहादत दिवस मना रहे हैं। ये पूर्व मंत्री बिहार सरकार के ब्रज बिहारी प्रसाद जी का रक्षा के रूप में लक्ष्मेश्वर बाबू थे। आज अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के तत्वधान में अमर शहीद लक्ष्मेश्वर साहू जी का 26वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। लक्ष्मेश्वर साहू स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के रक्षा में अपना जीवन आहुति दिए थे। जब उन पर ब्रज बिहारी प्रसाद पर जब हत्या हुआ, उस समय इनके बॉडीगार्ड थे, और उन्होंने अपने नौकरी और धर्म का पालन करते हुए ब्रज बिहारी प्रसाद के बचाने के क्रम में ये अपनी शहादत दिए थे। आज हम सब इनकी शहादत दिवस को मनाने के लिए समरणालय परिसर में भापका माले एपवा और आयसा ने संयुक्त रूप से रजवाड़ा में छात्रा की हुई मौत मामले में जांच को लेकर धरना दिया। मुशहरी प्रखंड स्थित अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय रजवाड़ा में छात्रा पूनम की संदेहास्पद स्थिति में मौत की उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाकपा माले एपुआ और आयसा ने संयुक्त तत्वधान में गुरुवार को जिला अधिकारी के समक्ष समरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि पश्चिम चंपारण की छात्रा पूनम की विगत महीने अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई हेतु आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर आवासीय जो अंबेडकर आवासीय विद्यालय है छात्राओं के लिए रजवाड़ा में, उसमें पूनम छात्रा की हत्या हुई है, उसके न्याय के लिए हम सभी लोग यहां पर आज धरना दे रहे हैं। भाकपा माले के लोग, एपवा के लोग, आयशा के लोग, और इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस घटना को आत्महत्या में बदला जा रहा है। बच्ची जो थी उसकी हत्या हुई है वहां पर छात्रावास में, लेकिन उसको पूरा प्रशासन जो है, जो जिला के कल्याण पदाधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग मिल करके और स्कूल प्रबंधन ये मिल करके उसको आत्महत्या साबित कर रहे हैं, जबकि वो हत्या है। एक तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये हम लोगों ने डीएम के समक्ष एक बात रखी है, मांग रखी है। दूसरी बात,
एफआईआर जो उसका हुआ वो एफआईआर 13 तारीख को थाना अध्यक्ष ने जबकि सूचित किया था लड़की के पिता के पास कि आपकी लड़की की आपको हत्या हुई है, मौत हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 तारीख को उसका जो है पोस्टमार्टम कराया, 15 तारीख को एफआईआर किया, जबकि आनन फान में पोस्टमार्टम 13 को ही कराया गया और बिना गार्जियन की उपस्थिति के। तो ये तमाम चीजें जो है जांच पड़ताल का विषय है। दूसरा, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा कि लड़की की माँ उसको टॉर्चर करती है, सौतेली माँ है, जबकि उसकी माँ यहाँ आई हुई है और उसकी अपनी माँ है और उनके क्या हुआ हम लोग के साथ, हम लोग के कोई सूचना नहीं मिला तो हम कैसे बताएं। यही सूचना मिला कि आपके बच्ची फांसी लगा ली है और उसमें कोई टीचर या कोई गार्ड हम लोग का नहीं फोन किया, मनमानी अपने मनमानी किए और हम लोग के थाना द्वारा सूचना मिला है, मुसहरी थाना का बड़ा बाबू हम लोग का सूचना दिया तो उनके पिताजी गए और बार बार बोले कि पोस्टमार्टम नहीं कराना है तो अपने मनमानी कौन मिलकर DW मिलकर कल्याण मंत्री मिलकर और डॉक्टर मिलकर पोस्टमार्टम। आपको क्या लगा है कि हत्या हुई है या जानबूझकर हत्या हुआ है? मेरी बच्ची वैसी नहीं थी कि अपने मनमानी हत्या करेगी। जब पुलिस आपको इन्फॉर्म की मतलब सूचना दी तो एफआईआर क्या बोला? एफआईआर नहीं हुआ है वो तो दिए लिखकर। एफआईआर लेट से हुआ? उसी समय हुआ, हाँ विद्यालय परिवार में हुआ एफआईआर। हाँ उसके बाद हम लोग के बात हुआ 6 तारीख के तो मेरी बच्ची अपने पिताजी से बात की कि पापा हमारे खाता चालू है तो बोले कि हाँ चालू है तो क्या है तो बोली कि पिताजी हमारा 8000 छात्रवृत्ति जाएगा और 2000 ड्रेस के लिए यहीं पर एथी कट जाएगा तो बोले कि ठीक है। तो लेट हुआ तो पूछे जो किसका नंबर है तो वो बोले एथी गार्जियन कोई गया है कि कोई गार्ड के तो बोली कि राहुल सर का नंबर है तो मॉडलिंग का समय था तो बोले कि इस समय क्या। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।